भूकंप हो या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा या फिर आग लग जाए तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। जान माल के नुकसान को बचाने के लिए सरकारी तंत्र और रेडक्रॉस जैसी सेवाएं तत्परता से कितना काम करती हैं। इन सब की तैयारी और उसके परिणाम को देखने व परखने के लिए सरकार के निर्देश हैं कि समय समय पर प्रशासन मॉक ड्रिल करवाए ताकि बिना किसी पूर्व सूचना के आने वाली प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के तत्वावधान में करनाल के लघु सचिवालय में मॉक ड्रिल करवाई गई। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ की टीम का विशेष योगदान रहा। यहां आपको बता दें कि मॉक ड्रिल क्या है। मॉक का अर्थ है वास्तविकता से एकदम उलट यानी दिखावटी। ड्रिल का अर्थ है अभ्यास। लेकिन इसमें सरकारी तंत्र और बचाव दल की पूरी कार्रवाई के साथ की गई तैयारी व कार्रवाई की झलक दिखाई देनी चाहिए। आपको यहाँ ये भी जानना चाहिए कि मॉक ड्रिल में कब कैसे और क्या हुआ। प्रातः ठीक 11 बजे ऊंची आवाज में एक सायरन बजा। लघु सचिवालय और इसके निकट स्थित न्यायालय परिसर से सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्सुकता और भयभीत होकर बाहर आ गए। परिसर ने आपातकाल के वातावरण जैसा रूप ले लिया था। किसी ने 108 नंबर पर फोन किया। उसी सूचना से करीब 3 से 4 एम्बुलेंस गरजती हुई लघु सचिवालय में आ गई। इसके तुरंत बाद पुलिस का अमला आया। कुछ समय बाद एनडीआरएफ की टीम व रेडक्रॉस के वॉलंटियर भी आ गए। देखते ही देखते सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। सचिवालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव के लिए रस्सी के माध्यम से दूसरी मंजिल पर चढ़े। वहां पर करीब 12 व्यक्तियों को बाहर निकाला और उपचार के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। इस बीच पुलिस कर्मचारी परिसर में इकट्ठा हुई भीड़ को पीछे लॉन में चले जाने के लिए कहते रहे और मीडिया पूरे दृश्य को कैमरे में कैद करता रहा। करीब आधे घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी अधिकारी व कर्मचारी लॉन में इकट्ठा हो गए और फिर अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा ने मॉक ड्रिल को लेकर ब्रीफिंग दी। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आदित्य ने बताया कि प्राकृतिक आपदा किसी भी समय हो सकती है, इससे बचाव के तरीकों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। सबसे पहले ऐसी स्थिति में अपने सर को बचाना चाहिए और ऐसे स्थान पर बैठ जाना चाहिए जहां पर मकान का ट्रायंगल हो। इस अवसर पर करनाल के ACUT नीरज काद्यान, SDM आयुष सिन्हा, CTM विजय मलिक, DSP राजीव, रेडक्रॉस सचिव कुलबीर सिंह सहित पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति काद्यान। अभी हम लोग उस सचिवालय में मौजूद है करनाल के। यहां पर एक रिहर्सल टाइप चल रही है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि जब भी यदि किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरे में कि ये लोग जो है इस बिल्डिंग में जैसे आग लगी है ऐसा ये रिहर्सल करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जितना भी जान माल है उसकी सुरक्षा करनी है। जो भी कोई व्यक्ति कोई भी अंदर है तो उसको बाहर निकालना है, सबको एक जगह पर इकट्ठा करना है। उसके बाद जो जो सुरक्षा की गई है उसकी ये देख सकते हैं आप कैमरे में आप देख सकते हैं कि जैसे कैसे कैसे ब्रिगेड बुलाई गई है, एम्बुलेंस बुलाई गई है, कैसे पहले सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड है वो आग बुझाने का काम करेगी। एम्बुलेंस है, अगर किसी को कोई जान माल की हानि हुई है तो वो उसके लिए उसके एम्बुलेंस उसकी सुरक्षा के लिए बुलाई गई है। अभी आप कैमरे में देख रहे हैं कि इन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी है। पुलिस वाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड वाले देख सकते हैं, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग मेरे ख्याल से खाली करवा दी गई है। अभी कोई अंदर नहीं बचा है। उसके बाद जो प्रोसीजर होगा वो भी आप कैमरे पे देख पाएंगे क्या क्या प्रोसीजर होता है अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, किसी बिल्डिंग में कहीं भी आग लग जाए तो क्या क्या प्रोसीजर इसके लिए होना चाहिए। सबसे पहले बिल्डिंग खाली करवानी है, उसके बाद जगह चेक करेंगे कि कौन सी जगह पर आग लगी है, क्या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई व्यक्ति तो नहीं फंसा हुआ है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसको बुलाएंगे। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले अपनी जो भी उनकी होती है उसको वो एक वहाँ तक फिक्स करते हैं कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है।
अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें कैमरे में तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे एक रिहर्सल टाइप चल रही है कि जब भी एक घटना हो जाती है तो कैसे लोगों की जान बचाई जाती है, कैसे उसको संभाला जाता है। इसके लिए हमारे साथ DSP सर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कैसे करना है और जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे बचाना है डिफरेंट टेक्निक से। ये लोग उसमें ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं और रिसोर्सेज भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ का मतलब वो चीज़ नहीं है। और पब्लिक के लिए भी यही बात है कि जो इस तरह की जो ड्रिल देखते हैं तो कम से कम जब इस तरह की आपदा आती है उसमें इवैक्यूएट कैसे करना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो पब्लिक के लिए अवेयरनेस का एक। कि कोई ऐसी आपदा आती है तो हमारे शहर के लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और कैजुअलिटीज से हम स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, तो इस सभी के लिए ये ज़रूरी है। क्या क्या सावधानी रखी गई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, सावधानियां तो ये सारी ऑर्गेनाइज NDRF की टीम ने किया था। जैसे ही 11 बजे हूटर बजा था, जितने भी सचिवालय के अंदर मौजूद कर्मचारी थे या विजिटर्स थे सभी तुरंत बाहर आ गए थे। इसके अतिरिक्त जैसे कि आपने पहले देखा था डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए जो कुछ लोग अंदर रह गए थे तो उनकी रेस्क्यू का सारा ऑपरेशन चल ही रहा है, वो आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाहर आने के बाद जैसे ही सब बाहर आ गए थे तो सभी जिले के अधिकारी जो है आपदा प्रबंधन कक्ष जो हमने बनाया था कॉन्फ्रेंस रूम में, वहां से जाकर बाहर से हमारी इंसिडेंट कमांडर, आज के दिन हमारी सिटी मजिस्ट्रेट थी, तो इन्होंने बाहर आकर सारे स्टेजिंग एरिया में सारी तैयारी की और इनसे कोऑर्डिनेट करके ही ये सारा ऑपरेशन करवाया जा रहा है। तो ये एक तरीके से जिला प्रशासन अधिकारियों के लिए भी, यहाँ मौजूद कर्मचारियों के लिए भी और साथ ही हमारे जिले के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के लिए एक तरीके से सारी डिटेल्स उनको दिखाई गई हैं, बताई गई हैं कैसे उन्होंने स्वयं को बचना, स्वयं भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। किस पर्पस के तहत मैम आपने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम बनवाया है? नहीं, पर्पस तो देखिए, करनाल लाइज इन सिस्मिक जोन 4, इसको हम अर्थक्वेक प्रोन एरिया कह सकते हैं। हालांकि कभी भी किसी भी नेचुरल डिजास्टर के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, परंतु फिर भी ये ज़रूरी है कि हमारे सभी नागरिक इस बारे में सतर्क रहें कि यदि किसी भी आपदा प्रबंध, किसी भी आपदा से हमारा सामना होता है तो उस वक्त हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें बचाव रखना है, कैसे हमें दूसरों की मदद करनी है, इस बारे में लगातार उनको जागृत करने के लिए, अवेयर करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो मैम ने बताया कि उन्होंने सिर्फ इसीलिए ये पूरा का पूरा जो रिहर्सल टाइप करवाया है ये इसीलिए करवाया है कि जब भी ऐसी कोई घटना हो, ऐसी कोई दुर्घटना हो तो लोगों को पता हो कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो DSP सर ने भी बताया कि कैसे कैसे लोगों को अगर ऐसी कोई घटना हो तो कैसे लोगों को अंदर से बाहर लाया जा सकता है, कैसे लोगों की जान बचाई जा सकती है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही है। कैमरामैन सनी चौधरी के साथ मैं प्रीति गाजा, नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.